नमस्कार जी मैं सूर्य बसन दुबे रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ आज मैं डीसी मशीन पर हम लोग लेक्चर लेंगे और डीसी मशीन पर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये डीसी मशीन है सबसे पहले हम लोग डी मशीन के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं डीसी मशीन एक प्रकार की इलेक्ट्रो मैकेनिकल इनर्जी कन्वर्जन मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है मतलब क्या है जो डीसी मशीन है वो या तो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करती है यह डीसी मशीन दो प्रकार की होती है एक डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर यहाँ पर चूंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो मोटर या जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो दोनों का हो सेम होता है तो पहले हम समझते हैं डी सी जनरेटर क्या होता है डी सी जनरेटर या मैकेनिकल पावर को मैकेनिकल पावर क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी और टार को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसको मैकेनिकल पावर बोलते हैं या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल डीसी पावर में कन्वर्ट करता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम जनरेटर बोलते हैं दूसरा डीसी मोटर क्या होता है यह इलेक्ट्रिकल डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है मतलब जस्ट अपोजिट जनरेटर का अपोजिट क्या होता है मोटर होता है अब हम लोग बात करते हैं कि जनरली हम लोग देखते हैं कि हमेशा एसी मशीन का प्रयोग किया जाता है लेकिन कुछ डीसी मशीन के अंदर कुछ स्पेशल एडवांटेज होते हैं जिसके कारण से हम लोग डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से हम एसी मशीन की जगह जगह पर डीसी मशीन का प्रयोग करते हैं सबसे पहला पहला एडवांटेज क्या है फाइन स्पीड कंट्रोल फाइन स्पीड कंट्रोल क्या होता है इसमें जो स्पीड होती है सिंकोनस मोटर ले लीजिए या इंडक्शन मोटर ले लीजिए दोनों एसी मशीन है इसमें स्पीड कंट्रोल अच्छा नहीं होता है स्मूथ नहीं होता है दूसरा हमने बोला वाइड स्पीड रेंज डीसी मशीन में स्पीड रेंज क्या होता है ये बेस स्पीड से ऊपर भी जा सकती है और बेस स्पीड से नीचे जा सकती है लेकिन इंडक्शन मोटर में जिसको हम इंडक्शन मोटर में इसकी स्पीड हमेशा सिंकोनस से नीचे रहेगी और सिंकोनस मोटर में इसकी स्पीड हमेशा सिंकोनस होगी लेकिन डीसी मशीन में अगर बेस स्पीड को हम सिंकोनस स्पीड मान लेते हैं तो ये बेस स्पीड से ऊपर भी रहेगी और बेस स्पीड से नीचे भी रहेगी अर्थात इसका स्पीड वाइड स्पीड रेंज होता है तीसरा क्या होता है हाई स्टार्टिंग टार्क अब आप बात करेंगे हाई स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर ले लीजिए उसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कम होता है लेकिन डीसी मशीन में जो सीरीज मोटर होता है उसकी स्टार्टिंग टार क्या होती है हाई होती है इसीलिए इसे रेलवे में प्रयोग किया जाता है रेलवे अर्थात ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाता है या रेलवे में प्रयोग किया जाता है अब हम बात करते हैं डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं ये कंस्ट्रक्शन है आप देख रहे होंगे इसमें आप लोग देख रहे हैं ये क्या है आपका ये आपका फील्ड पोल है ये आपका इंटर पोल है ये आपका ये पूर, ये आपका योग है इसको योग बोलते हैं और ये आपका कम्यूटेटर है और ये आपका ब्रश है ये भी आपका ब्रश है हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे डीसी मशीन के बारे में अब देखिए इसमें कितने पार्ट है यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने डीसी मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है उसको एनिमेशन में बनाया है इसको 10 सेकंड आप देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे कनेक्ट किया गया आप देख रहे हैं कि इसको अलग अलग टाइम पर पहले हमने फील्ड को कनेक्ट किया फिर आर्मेचर में कनेक्ट किया बाइंडिंग किया और फिर हमने इसको अलग अलग करिए है ये आप दस सेकेंड देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं अब डीसी मशीन का हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो डीसी मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो हम लोग देख रहे हैं इसमें एक स्टेटर होता है दूसरा फील्ड वर्निंग होता है पोल शू होता है कंपनसेटिंग वर्निंग होता है इंटरपोल होता है रोटर होता है आर्मेचर वर्निंग होती है डमी डमी क्वाल होता है इक्वलाइजर होता है कम्यूटेटर होता है कार्बन ब्रश होता है एंडियोक होता है अब हम लोग क्या करेंगे एक एक टॉपिक का एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटर अब क्या होता है भाई स्टेटर क्या होता है जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्टेटर मीन्स स्टैटिक पार्ट जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटर अब आप देख रहे होंगे मशीन में कौन कौन से स्टैटिक पार्ट है तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये सारा पोर्शन ये पूरा पोर्शन ये सारा पोर्शन क्या है स्टैटिक पार्ट है तो जो स्टैटिक पार्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटर बोलते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर दो चीज आप देखोगे कि इस स्टेटर में जो स्टैटिक पार्ट है उसमें सेलियंट फील्ड और योग दोनों क्या है स्थिर है इसलिए इस हम इस है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टेटर बोलते हैं आप ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं योग बोलते हैं इस पोर्सन को इसको योग बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं फील्ड पोल फील्ड बोलते हैं तो ये दोनों क्या है स्थिर है इसलिए ये लोग क्या है स्टेटर होते हैं तो स्टेटर में हमने दो पार्ट पाया ये दो पार्ट अब हम बात करते हैं सेलियंट फील्ड पोल सेलियंट क्या होता है जो चीज क्या होती है किसी चीज में उभरी होती है उसका मीनिंग होता है सेलियंट अब देखिए यह योग के इनर पेरी फेरी में बोल्ट से टाइट की जाती है इसके दो भाग होते हैं आप यहां देख रहे हैं जो यहां पर ये जो फील्ड पोल है ये फील्ड पोल है ये क्या है इसके योग में क्या होता है यहां पर बोल्ट से टाइट किया होता है इसके ये इनर पेरी फेरी है इसमें टाइट किया जाता है तो इसके दो भाग होते हैं पहला भाग होता है पोल कोर और दूसरा भाग होता है पोल सू अब आप सोचेंगे पोल कोर किसको कहते हैं और पोल सू किसको कहते हैं ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ये, ये पोल कोर है और ये देखिए ये छोटा सा जो ये लगा है ये क्या है पोल सू है इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं अब देखो भाई पोल कुर क्या यह कास्ट स्टील का बना होता है ये जिसके ऊपर फील्ड वार्निंग को लपेटी जाती है लेकिन पोल सू क्या होता है यह लेमिनेटेड का बनता है ध्यान रखिएगा पोल कोर को हमने लेमिनेटेड नहीं बनाया लेकिन पोल सू को हमने लेमिनेटेड बनाया है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें एडी करंट फैती है इस एडी करंट से क्या होता है लासेज होता है और इस लासेज को कम करने के लिए हम लोग क्या बना करते हैं इसमें इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है अब बात करते हैं पोल शो के क्या क्या बेनिफिट है क्या क्या एडवांटेज है ये हम लोग पढ़ते हैं अब देखो भाई वर्किंग या एडवांटेज क्या क्या ये काम करता है इसके तीन थ्री काम होते हैं पहला काम क्या होता है ये फील्ड वाइंडिंग को मैकेनिकली पकड़ के रखता है आप देख रहे हैं ये क्या ये चौड़ा है तो ये फील्ड वाइंडिंग को क्या करेगा ये निकलेगा नहीं ये इधर तो आपका ये लगा आपका और ये इधर निकलेगा ये मैकेनिकल इसको क्या है पकड़ के रखा है दूसरा क्या है इसका एरिया का मान पोल कोर से ज़्यादा होने के कारण इससे एयर गैप में यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मतलब इसका एरिया ये है अब इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या नहीं? ऐसे निकलेगा तो ये फ्लक्स क्या होगा ज़्यादा निकलेगा और इस एयर गैप में इस एयर गैप जो एयर गैप है इससे क्या होगा इससे क्या होगा आपका जो यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ये थ्री -थी एडवांटेज है अब हम बात करते हैं कंपनसेटिंग वार्निंग अब नहीं ये तीसरा इसमें था इसमें कंपनसेटिंग वार्निंग एम्बेडेड होती है मतलब जो ये है ये इसके अंदर भी क्या होती है ये छोटे छोटे वार्न, ये वार्डिंग लगी तो इसके स्लाट में इसी वार्डिंग को क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग वार्निंग इसीलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या होता है कंपनसेटिंग वार्डिंग अब देखिए कंपनसेटिंग वार्निंग ये आ गया कंपनसेटिंग वार्डिंग आप देखो भाई क्या यह वाइंडिंग पोल सु के स्लाट में स्थित होता है जैसा भी हम बता दिए थे कि आपका यह पोल सु है ये पोल सु है पोल के अंदर क्या होता है आपका स्लाट में यह स्थिर होता है ठीक है इस बाइंडिंग को आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इसका और ये जो बाइंडिंग होगी इस बाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कंपनसेटिव बाइंडिंग को सीरीज में आर्मेचर बाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं जैसा हम लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग है ये, ये आर्मेचर बाइंडिंग के क्या है सीरीज में कनेक्ट है ओके अब तो ये हो गया अब हम लोग बात करते हैं और ये क्या होता है सभी मशीनों में नहीं प्रयोग किया जाता है जो इसका कास्ट कि बहुत हाई होता है इसलिए इसको हैवी मशीन में प्रयोग किया जाता है अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्किंग क्या है भाई इसका क्या क्या कार्य है या क्या क्या एडवांटेज है अब देखो कंपनसेटिंग वार्निंग के मुख्य कार्य आर्मेचर रिएक्शन को कम करना होता है अब ये होता है भाई आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है जैसा हमें फिगर से दिख रहा है कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल इससे फील्ड क्या हो रही है जा रही है लेकिन जब आप उससे लोड में लगाएंगे, तो ये जो, ये जो जो है इसके अंदर भी क्या होगी करंट बहने लगेगी तो इससे भी ये क्या होगी फील्ड निकलने लगेगी इस तरह से फील्ड निकलने लग रही है तो जो मेन फील्ड जो सीधी थी वो फील्ड क्या हो गई अब देख रहे तिरछी हो गई अब इसी मेन फील्ड में जो डिस्टॉर्शन आता है उसी को क्या बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं जैसा कि तीनों फिगर से स्पष्ट है, तो मतलब है कि मुख्य कार्य कंपनसेटिंग को कम करना होता है कम करता है तो आर्मेचर रिएक्शन हम लोग अलग टॉपिक होता है आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है कम करता है आगे हम लोग पढ़ते हैं अब हम लोग इसका फिगर ये आगे नेक्स्ट हम लोग हैं इंटरपोल अब क्या होता है भाई इंटरपोल क्या होता है जैसा हम लोगों ने फिगर में देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं इंटरपोल जो छोटा छोटा बना है देखिए ये मेन पोल से क्या है छोटा है अब इसको छोटा क्यों बनाया जाता है और इसका यूज क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं अब देखिए ये पहले समझते यह योग के इनर पेरीफेरी में बोल्ट से टाइट होता है जैसा अभी हमने देखा है फिगर से कि इसको हम क्या करते हैं इसकी इनर पेरीफेरी में इसको हम क्या करते हैं टाइट कर से टाइट रखते हैं ओके दूसरा क्या है यह मेन फील्ड पोल के मध्य में स्थिर होता है आपने देखा कि ये दोनों पोल के बीच में क्या है ये दोनों पोल के बीच में स्थिर होता है ओके इसकी साइज पतला और छोटा होता है हमने बताया इसकी साइज क्या है छोटा और पतला बनाया जाता है क्यों बनाया जाता है इसका रीजन ये है कि इसमें जो बोल सकते हैं इसमें जो एम एफ होगा वो अगर सौ है तो इसमें जो एम एफ फायदा होगा वो एक सौ तीस परसेंट होगा इसका तो इससे फायदा अब इसमें क्या हो रहा चूँकि एम एफ ज़्यादा हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है सिचुएसन की कंडीशन आ सकती है तो इस सिचुएसन को को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एयर गैप में क्या कर देते हैं ये एयर गैप ज़्यादा रखते हैं क्योंकि जो एम एफ का वो होता है फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे फाइव बाई एस अब ये क्या हो गया एयर गैप ज़्यादा हो गया तो इसमें एम एफ क्या होगा सिचुएशन की कंडीशन में नहीं आएगी इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखे हैं कि इसमें इंटरपोल के कोर में मैग्नेटाइजेशन सिचुएशन की स्थिति ना आए इसलिए इंटरपोल को कि हाई बाइंडिंग को इंटरपोल बाइंडिंग कहते हैं और इसमें जो बाइंडिंग की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरपोल बाइंडिंग कहते हैं अब हम लोग क्या बात करते हैं अब एक चीज और है कि भाई इसको कहाँ पर रखा जाएगा इस इंटरपोल को ठीक है दोनों इंटरपोल के बीच में होगा गए तो ठीक है समझ में आ गया लेकिन इसमें भी क्या होता है अगर जनरेटर है तब क्या होगा देखिए जनरेटर में रोटर की दिशा में इंटरपोल के बाद सेम पोलरिटी का मेन पोल आएगा आपने देखा अगर आपका ये जनरेटर है तो इस जनरेटर की दिशा में मेन पोल इंटरपोल के बाद मेन पोल आएगा लेकिन उसकी पोलरिटी भी क्या होगी सेम होगी जैसा यहाँ आपने लिखा है लेकिन मोटर में क्या है रोटेशन की दिशा में इंटरपोल के बाद अपोजिट पोलरिटी का मेन पोल आता है अगर ये क्या मोटर है तो ये आपका इंटरपोल के बाद क्या आ गया मेन पोल आएगा तो जिसकी दोनों की पोलरिटी क्या है अपोजिट है एक चीज़ तो ये हो गया अब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है इसकी ये चीज़ें ये एम सी क्यू में कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चन ये दोनों पॉइंट आते भी हैं एग्जाम में और ऐसे भी सिलेबस में अपने आगे हम लोग बात करते हैं इस इंटरपोल का कार्य क्या होता है ये किस तरह से कार्य करता है तो इसका मेनली तीन काम है थ्री काम है पहला कार्य क्या है ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है इसका मतलब हम ने दो जगह हमने कंपनसेटिंग वाइनिंग को भी पढ़ा कि वो आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है और इंटरपोल भी क्या करता है आर्मेचर रिएक्शन को कम करता है लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यह आर्मेचर जो इंटरपोल होता है इंटरपोल में को करता है और वहां पर वो वाला जो हम लोग पहले पढ़े थे कंपनसेटिंग वार्निंग वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को कम करता है अब ये तो ये हो गया दूसरा काम क्या करता है ये बहुत बड़ा इसका एक एडवांटेज ये है कि क्या होता है जब ब्रश से जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं आर्मेचर रिएक्शन होने पर ब्रश के अंदर क्या हो जाती है स्पार्किंग आने लगती है तो स्पार्किंग को रोकने के लिए क्या करते हैं स्पार्किंग को रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे यह इंटरपोल बैंडिंग के द्वारा इंटरपोल के सामने आर्मेचर क्वाइल में एक रोटेशनल ईएमएफ पैदा करती है जो आर्मेचर क्वाइल में उत्पन्न रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है जिससे ब्रश में स्पार्किंग नहीं होती है अब ये सोच रहे होंगे कि रिएक्ट पहले तो हम समझे कि ये रोटेशनल ई क्या होता है कहाँ से आ गया अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि इंटरपोल में इंटरपोल में जो आया था एम वो कितना था 130 परसेंट किसका आर्मेचर का आर्मेचर में क्या है 100 परसेंट एम है और इसमें सौ तीस है तो क्या होता है जो इसका हंड्रेड परसेंट जो होता है इसका हंड्रेड परसेंट वो क्या करेगा इस आर्मेचर रिएक्शन को क्या करेगा कम करेगा और ये तीस परसेंट जो बचा इसका इस इंटरपोल में जो तीस परसेंट एम एफ बचा वो क्या करेगा आर्मेचर वर्डिंग में एक एक आर, ये, आर्मेचर वाइंडिंग में रोटेशनल EMF पैदा करेगा इसकी दिशा क्या होगी जो रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट होगी जिससे क्या होगा उसमें स्पार्किंग नहीं होगा अब दूसरा वर्ड ये होता भाई रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है रिएक्टेज आर्मेचर में क्या होता है जब ब्रश से आर्मेचर क्रॉस करता है तो उसमें करंट की दिशा क्या हो जाती है बदल जाती है अब जब करंट की किसी भी इंडक्टर में अगर करंट की दिशा बदलेगी तो क्या होगा जब करंट की दिशा बदलेगी तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है उसी को रिएक्टेंस वोल्टेज कहते हैं एक तो ये हो गया तो तीसरा इसका काम है यह कम्यूटेशन को अच्छा करता है ये तो मतलब कम्यूटेशन क्या होता है मतलब जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेशन उसी को हम लोग उसी को कम करना ही क्या कहलाता है कम्यूटेशन कम्यूटेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे भी थोड़ा सा कम्यूटेशन क्या होता है ये क्या होता है एक बार बोल भी देते हैं कम्यूटेशन में क्या होता है आर्मेचर वार्निंग में करेंट की दिशा जो बदलती है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कम्यूटेशन कहते हैं ओके okay. अब बात करते हैं एक और अच्छी बात है इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करने से ब्रश शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ये सोच रहे होंगे ऐसा एक बेनिफिट ये है कि जब आर्मेचर रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं जैसे जनरेटर में रोटेशन की दिशा में मोटर में उसका अपोजिट होता है लेकिन यदि आप इंटरपोल वाइंडिंग यूज कर लेंगे तो उसको ब्रश को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिए कौन उसको बार बार अलग अलग लोड पर अलग अलग शिफ्ट करना क्या होगा डिफिकल्टी होती है इसलिए इंटरपोल लगा सकते हैं ओके okay. अब हम लोग बात करते, है, भाई, करते हैं भाई फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं अब देखो समझते हैं भाई फील्ड वाइंडिंग किसको कहते हैं अब देखो जो फील्ड में जो वाइंडिंग की जाती है उसको फील्ड वाइंडिंग कहते हैं लेकिन इसको टेक्निकली हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें टेक्निकली ये बोलना चाहिए इस तरह से कि जिस वाइंडिंग में एक्साइटिंग करंट फ्लो होती है उस वाइंडिंग को फील्ड वाइनिंग कहते हैं मतलब जो जो करंट फील्ड में बहती है उस करंट को हम क्या बोलते हैं एक्साइटिंग करंट बोलते हैं इस एक्साइटिंग करंट इस एक्साइटिंग करंट से फील्ड वाइंडिंग में वर्किंग फ्लक्स पैदा है जब इसकी आप तो जानते हैं कि किसी भी क्वाल में अगर करंट बहेगा तो क्या होगा फ्लक्स बहेगा लेकिन जब एक्साइटिंग करंट बहेगा तो उससे जो फ्लक्स पैदा होगा उस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे वर्किंग फ्लक्स बोलेंगे या यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं ओके अब एक चीज और आपने देखा होगा ये जो यह ऐसे, ऐसे क्या होती है? है अगर आप देखेंगे तो अब बात होता भी, डिया। डिया। किसको है अब देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग किसको कहते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं जिस वर्णिंग का जो एक्सिस क्या हो सेम हो अब देखिए इसका मैग्नेटिक क्या होगा सेम होगा उसको हम क्या बोलते हैं टेड वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है और डीसी पोल पर भी किया जाता है अब वही हमने यहां लिख दिया एक और यहां बहुत इंपॉर्टेंट जिससे पोल में अब ये क्या होगा सारे पोल आप देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल बन रहा है दूसरा साउथ पोल बन रहा है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनने को इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोफीड स्ट्रक्चर बोलते हैं जो नॉर्थ साउथ का बनता है उसको हेट्रो फील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं वही कंसंट्रेटेड वार्निंग जो हमने समझाया है वो डिफिनेशन लिखा गया है जिस वार्निंग के सभी टन के मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिज एक होती है उस उसे कंसंट्रेटेड वार्निंग कहते हैं आर्मेचर वार्निंग आर्मेचर वार्निंग क्या होता है भाई समझते हैं अब देखो क्या है आर्मेचर वर्निंग वो वर्निंग है जिसमें वर्किंग फ्लक्स जो हमने वर्किंग फ्लक्स पैदा किया था उसकी बात करें जिसमें वर्किंग फ्लक्स के कट होने के कारण ई एम एफ पैदा होता है उस वाइंडिंग अब ऐसे अगर हम बोले भाई आर्मेचर वाइंडिंग यह वार्निंग कोर के स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड आती है वहां पर हमने जो पढ़ा था फील्ड वाइंडिंग वो क्या होती है कंसंट्रेटेड टाइप की होती है और ये वाइंडिंग क्या होती है आर्मेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्योंकि अब ये इसकी पावर रेटिंग जो इसमें पावर होगी इसकी रेटिंग कितना इसमें करंट या वोल्टेज दे सकते हैं तो इसकी जो करंट जिसकी पावर की रेटिंग क्या होगी मशीन की रेटिंग के बराबर होती है और अभी हम लोग अब आप सोचेंगे भाई फील्ड की रेटिंग कितनी होती है फील्ड की जो रेटिंग होती है वो मशीन के पॉइंट पॉइंट फाइव से लेकर के टू परसेंट तक होती है मतलब अगर हम पूछे कि मशीन क्रिएटिंग कितनी है तो हम बोल सकते हैं मशीन क्रिएटिंग आर्मेचर वाइंडिंग के बराबर आर्मेचर पावर के बराबर होती है अब हम लोग बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के रूप में होती है और ये वाइंडिंग आपस में क्या होती है क्लोज ये और जान लीजिए ये जो आपस में क्या होती है आर्मेचर वाइंडिंग आपस में क्या होती इस तरह से क्लोज लूप बना लेती है मतलब जहां से स्टार्ट होगी वहीं पर ये क्या हो जाएगी फिनिश्ड भी होगी अब हम लोग बात करते हैं आगे चलते हैं डीसी या डी अब ये जो होता है डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग में ऑलवेज एसी करंट फ्लो होता है इसलिए आर्मेचर वाइंडिंग कोर को इसमें क्या होता है हमेशा आर्मेचर में हमेशा ए सी के हो इंड्यूज होती है इसलिए इसको हमेशा लेमिनेटेड बनाया जाता है अब ये क्या? ये मशीन कि, ये कितने टाइप के होते हैं तो ये आपके दो टाइप के होते हैं एक लैफ होता है और दूसरा वेव होता है अब बात करते हैं लेफ वर्णिंग किसको कहते हैं अब क्या होता है आर्मेचर क्वाल में जहाँ से ये स्टार्ट होगा मतलब आर्मेचर कॉइल की बाइंडिंग क्या होगी जहाँ से स्टार्ट होगा और उसके क्या होगा बगल वाले कम्यूटेटर से क्या हो कनेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट वाइंडिंग बोलते हैं अब इसका क्वेश्चन उठता है भाई इसको लेफ्ट वाइंडिंग क्यों कहते हैं आपने देखा जो दूसरा स्टार्ट होगा वो भी क्या होगा इस बाइंडिंग को क्या कर रहे हैं ओवर कर रहा है इसलिए इसको लेफ्ट वाइंडिंग बोलते हैं इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पैलल पाथ क्या होते हैं नंबर वो पैलल पाथ क्या होते हैं इस जितना पेल पात होगा उतना ही नंबर ऑफ ब्रश होंगे और उतना ही क्या हो जाएगा आपके पोल होंगे तो जैसे यहां आप पर आपको दिखाई दे रहा है चार पोल की मशीन थी तो ये चार पोल है चार ब्रश है और इसमें चार पोल की यूज किया गया है अब हम लोग बात करते हैं वेव वार्निंग क्या होती है वेव वार्निंग क्या होती है ये वहाँ पर क्या होता है इसकी यहाँ पर बगल में कनेक्ट करते हैं इसका जो दूसरा एंड होता है वो लगभग टू पोल के बराबर होता है मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री पर एक इधर कनेक्ट होगा कम्यूटेटर में तो दूसरा क्या होगा उसके अपोजिट कनेक्ट होता है इसका जो रूप होता है आप देख रहे हैं इसका वेब जैसा है इसमें दो पैलल पाथ बने हैं इसलिए इसको वेब वाइंडिंग कहते हैं यहाँ देखिए नंबर पैलल पाथ क्या होंगे दो होंगे और यही क्या होगा नंबर ऑफ ब्रश होगा अब लोग हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डमी क्वाल क्या होता है डमी क्वाल क्या होता है क्या होता है जो वेब वाइंडिंग होती है वेब वाइंडिंग के अंदर नंबर ऑफ स्लॉट की संख्या ऐसे नहीं होती है जिससे क्या हो जाए जो कम्यूटेटर पीस को क्या करे सेटिस्फाइड करे इसलिए जो भी वेब मशीन होती है वेब टाइप जिस बाइंडिंग होती है उसमें हम लोग क्या करेंगे रोटर के स्लॉट में एक एक्स्ट्रा रोटर के स्लॉट में एक एक्स्ट्रा क्वाइल आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डमी क्वाइल कहते हैं ये डमी क्वाइल क्या होती है इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती है या केवल रोटर को मैकेनिकली बैलेंस रखता है आगे बात करते हैं इक्वलाइजर क्या होता है इक्वलाइजर आपका रोटर इक्वलाइज़र लैफ वाइंडिंग में क्या होता है नंबर ऑफ पैलल पाथ क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं जिससे क्या होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है इससे सर्कुलेटिंग करंट बहती है इस सर्कुलेटिंग करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इक्वलाइजर रिंग यूज़ करते हैं अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटर क्या होता है कम्यूटेटर क्या करता है ये ए को डी में और डी को ए में बदलता है इसलिए इसको हम मैकेनिकली कन्वर्टर भी कहते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कम्यूटेशन जैसा भी हम लोग कम्यूटेशन पहले ही पढ़ चुके थे आर्मेचर कोल में करंट की दिशा बदलने को हम लोग क्या बोल कम्युटेशन बोलते हैं अब क्या होता है कम्पटेशन का क्या एडवांटेज है ये क्या ए को डीसी में बदलता है और दूसरा क्या करता है मूविंग आर्म अब देख रहे हैं कि इसमें जो एम पैदा होगा वो उसका क्या होगा वो फील्ड क्या होगी स्टेशनरी होगी एम स्पेस के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगी मतलब इससे जो फील्ड पैदा होगा वो क्या होगा आपका स्टेशनरी होगा अब हम लोग बात करते हैं ब्रश ब्रश क्या होता है ये क्या करता है रोटेटिंग कम्यूटेटर और एक्सटर्नल लोड को के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है इसकी पोजीशन ऑलवेज एडजेंट पो के बीच में होती है अर्थात ये एम की दिशा में होती है ये दोनों के बीच में वो करता है अब आर्मेचर रिएक्शन की दशा में हम पहले बात कर चुके हैं कि जब क्या होता है आर्मेचर की आर्मेचर रिएक्शन की दशा में ब्रश को हम क्या कर सकते हैं शिफ्ट करते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं एक कार्बन होता है एक इलेक्ट्रोग्रेफाइड होता है और तीसरा कापर ग्रेफाइट होता है ये स्मॉल मशीन में यूज किया जाता है इसको जनरली यूज किया जाता है इसको जहाँ पर वोल्टेज कम और करेंट हाई होता है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते बात करते हैं योग अब बात करते हैं योग क्या होता है भाई योग क्या होता है जो आउटर फेरी, फेरी होता है उसी को योग बोल बोलते हैं जैसा भी हम लोग समझते हैं मतलब स्टेटर के पार्ट को हम योग बोलते हैं स्मॉल मशीन में योग को कास्ट आयरन का बनाया जाता है लेकिन लार्ज मशीन में इसको फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है आप सोचेंगे क्यों फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है तो कास्टली पड़ेगा लेकिन क्या होता है जब बड़े मशीन में योग क्या करता है फ्लक्स को आने जाने देता जैसे आप अब देख रहे हैं इसी के को इसी इसी को योग बोलते हैं इसी में फ्लक्स क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है तो इसको आने जाने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रेंस क्या चाहिए कम चाहिए तो या फिलिटी हाई चाहिए तो परिबिलिटी हाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं कास्ट स्टील का इसको हम लोग क्या बनाते हैं स्टील का बनाते हैं कास्ट आयरन की जगह हम लोग क्या इसको बनाते हैं कास्ट स्टील का फेब्रिकेटेड स्टील का बनाते हैं बात ये हो गई अब बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या होते हैं इसके मेन कार्य क्या होते हैं दो कार्य होते हैं आपने देखा पहला क्या होता है यह इंटरनल पार्ट को मैकेनिकल प्रोटेक्शन ये जो अंदर पार्ट है इसको क्या होगा कोई चीज़ धूल धक्कड़ से क्या करेगा या किसी से मैकेनिकली हार्मफुल से क्या करेगा प्रोटेक्शन करेगा और दूसरा एडवांटेज क्या है यह हाफ फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है आपने देखा ये आपका क्या है इससे देखिए इस पोल से कितने दो निकले लेकिन ये निक दो जा, जा रहे हैं लेकिन इससे जो र के अंदर कितनी जा रही है आधी जा रही है मतलब जितना पोल में फ्लक्स जाएगा उसके आधी इसमें फ्लो होगी मतलब ये क्या करता है क्योंकि फ्लक्स के हमेशा क्या होगा क्लोज लूप फॉलो करेगा तो ये क्लोज लूप फॉलो करने के लिए इसको क्या की चाहिए उसको कोई एक रास्ता चाहिए तो वो रास्ता कौन देता है वो रास्ता आपको ये देता है मतलब योग देता है तो इसका ये ध्यान रखिएगा फ्लक्स योग में जो फ्लक्स बहती है वो मेन पोल की हाफ बहती है इसीलिए ये इसकी दौड़ तो इस तरह से हमने डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन को स्टडी किया आज के लिए इतना ही धन्यवाद